निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो जीटीए के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी खत्म। पीर के रोज दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। शहर में मौसम सर्द रहने का इम्कान। कनाडा की हिंदुस्तान को कानून की हुक्मरानी पर वर्कशॉप की पेशकश। माहरीन का कनाडा भारत कशीदगी को कम करने पर जोर। माहरीन का कहना है कि दोनों फरीक सिफारती और तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए काम करें। कैनेडियन वजीर आजम का रूसी अपोजिशन लीडर की मौत की खबर पर अफसोस का इजहार। ट्रूडो की रूसी सदर प्योतिन पर तनकीद। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि हमें हर जगह जमहूरियत को फरोग देने की जरूरत है। रूस की यूक्रेन के खिलाफ 9 माह में बड़ी कामयाबी। अहम इलाके पर कब्जा। रूस के मुताबिक इलाके में यूक्रेन के मुतादिद फौजी मौजूद हैं। यूक्रेन की जानिब से रूसी दावों पर सरकारी सतह पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको-फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Welcome back. Toronto aur GTA itwar ki se pehar kai ghanton ke liye mausam sarma ke safri advisory ke tahat the. मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो जीटीए इतवार की सुपहर कई घंटों के लिए मौसम सरमा के सफरी एडवाइजरी के तहत थे। एनवायरमेंट कनाडा ने खबरदार किया था कि बाज़ औक़ात शदीद बर्फबारी और 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली मगरबी हवाओं की वजह से हद निगाह कम हो जाएगी। माहिरीन का कहना था कि बर्फबारी के साथ साथ कुछ सख्त सर्दी भी आती है, क्योंकि तेज़ हवाएं इतवार की रात -8 और -10 के दरमियान महसूस करेंगी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से पीर के रोज़ शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से -1 और -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हिंदुस्तान पर एक कैनेडियन के कत्ल में मदद करने का इल्ज़ाम लगाने के बाद माहिरीन कनाडा से कशीदगी को कम करने पर जोर दे रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हिंदुस्तान पर एक कैनेडियन के कत्ल में मदद करने का इल्ज़ाम लगाने के बाद माहिरीन कनाडा से कशीदगी को कम करने पर जोर दे रहे हैं। कनाडा के हुकाम अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों को कानून की हुक्मरानी पर वर्कशॉप की पेशकश कर रहे हैं, कम अज़ कम जैसा कि कनाडा से देखता है, यहाँ तक कि जब सिर्फ अलहदगी पसंदी पर कशीदगी भड़क रही है। सीनियर ब्यूरोक्रेट वेल्डन एप ने इस माह मेम्बरान पार्लियामेंट को बताया कि हिंदुस्तान इंतहा पसंदी या यहाँ तक के दहशतगर्दी की तारीफ कैसे करता है, हमारे कानूनी निज़ाम में हमेशा शुमार नहीं होता है। जस्टिस कनाडा ने और माजी में RCMP ने हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मौसर तरीके से वर्कशॉप्स की हैं, ये बताने के लिए कि कानूनी तौर पर हमारे मयारात क्या होंगे। गुज़िश्ता जून में सिख कम्युनिटी के रहनुमा हरदीप सिंह निजर को सुरे BC में उनके गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और उनके हामियों ने फौरी तौर पर भारत पर इल्ज़ाम लगाया था। कनाडा के हुकाम ने तब से हिंदुस्तानी हम मनसबों से बेहतर तआवुन का मुतालबा किया है, जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कनाडा बहुत कम सबूत फराहम कर रहा है। माहरीन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों फरीक सिफारती और तजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि इनमें बहुत कुछ मुश्तरक है, जौहरी तवानाई के तआवुन, दौलत मुश्तरक की इकदार और तारकीन वतन के ताल्लुकात पर तिजारत के मौके बहुत ज्यादा हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूसी जेल में अलेक्सी नावाल्नी की मौत की खबरें अफसोसनाक और हौलनाक हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूसी जेल में अलेक्सी नावाल्नी की मौत की खबरें अफसोसनाक और हौलनाक हैं। अपोजिशन लीडर के अहल खाना और तमाम लोगों से ताज़ियत करते हैं जो इंसाफ के हुसूल के लिए उसकी हिमायत करते हैं।
ट्रूडो ने नावाल्नी को ऐसे शख्स के तौर पर बयान किया जो रूस और रूसियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए गैर मामूली हिम्मत के साथ खड़ा था। उन्होंने मजीद कहा, हम जानते हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन को कितना डराता रहता है। विनीपेग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक हजूम से खिताब करते हुए ट्रूडो ने कहा कि इसमें कोई सवाल नहीं है कि नावाल्नी को मालूम था कि यह नतीजा हमेशा एक इम्कान रहेगा। ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर इससे कबल की एक पोस्ट में कहा था कि रूस में बदउनवानी के खिलाफ जंग लड़ने वाले नावाल्नी को पहले कभी भी कैद नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, यह एक अहम याद दहानी है कि हमें हर जगह जमहूरियत को फ़रोग देने, उसकी हिफाजत और दिफा करते रहना चाहिए। ऐसा ना करने के नतायज संगीन है। ट्रूडो बैनुल अक्वामी रहनुमाओं और पुतिन की हुक्मरानी के मुखालिफ दीगर अफराद में शामिल है जो नावाल्नी के काम की तारीफ और हिमायत का इजहार कर रहे हैं और खबर के बाद हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। रूस की जेल एजेंसी ने कहा कि नावाल्नी जो आर्कटिक की एक ताजीरी कॉलोनी में 19 साल की सजा काट रहे थे, जुमे को इंतकाल कर गए। वजीर खारजा मेलानिया जूली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नावाल्नी की मौत की इतला पुतिन की जाबिराना हुकूमत की दर्दनाक याद दहानी है। उन्होंने कहा कि रूसी आवाम के लिए एक बेहतर ज्यादा जमहूरी मुस्तकबिल की उम्मीद में अपनी आज़ादी दी। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में 9 माह बाद बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अहम कस्बा एवडीवका पर कब्जा कर लिया और कहा कि मुतादित यूक्रेनी फौजी इलाके में मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में 9 माह बाद बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अहम कस्बे एवडीवका पर कब्जा कर लिया और कहा कि मुतादित यूक्रेनी फौजी इलाके में मौजूद हैं। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि इसकी फौज ने 1000 किलोमीटर पर फैले हुए अहम इलाके में 8.6 किलोमीटर तक पेशरफ की है और रूसी फौज ने खून रेज लड़ाई के बाद फतह हासिल की, जहाँ कस्बे पर कब्जा कर लिया जो मुकम्मल तौर पर आबादी से खाली हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एवडीवका बदतरीन जंगी मैदान में से एक था, जहां से यूक्रेन की फौज दस्तबरदार हो गई है और ये मई 2023 में बखमत शहर पर कब्जे के बाद बड़ी फतह है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने बयान में कहा कि अपने फौजियों को वापस बुलाया है ताकि महीनों से जारी जंग के घेरे से बचाया जाए, जबकि पुतिन ने एवडीवका पर कब्जे को अहम फतह से ताबीर किया है और अपनी फौज को मुबारकबाद दी। क्रेमलिन की वेबसाइट में जारी बयान में कहा गया कि रियासत के सरबराह ने रूसी फौजियों को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और ये अहम फतह है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्कूरा खिता रूस को सलती खिता डोंबास पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल करने के लिए ये फतह अहमियत की हामिल है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान एग्योर कोनाशेंकोव का कहना था कि कस्बे को दहशत गर्दों से मुकम्मल पाक करने, वहाँ मौजूद यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं जो एवडीवका कोक और केमिकल प्लांट से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन की जानिब से रूसी दावों पर सरकारी सतह पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, जबकि रूसी टेलीविजन में एवडीवका और कोक प्लांट में यूक्रेन का झंडा उतार कर रूसी झंडा लहराते हुए दिखाया गया। रूस ने इस कस्बे से यूक्रेन की दस्तबरदारी को अफरा तफरी में बेदखली से ताबीर किया है, क्योंकि मुतादित फौजी और असलहा पीछे रह गया है। ताहम यूक्रेनी फौज का कहना था कि वहाँ पर फौज का जानी नुकसान हुआ है, लेकिन दस्तबरदारी के बाद हालात बेहतर हैं। ख्याल रहे कि 2 वर्ष कबल फरवरी 2022 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को यूक्रेन पर हमले का हुक्म दिया था, जिसके बाद जंग में शिद्दत आ गई और अमरीका समेत मगरबी ममालिक ने रूस से तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।